हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई इंग्लिश मेट टूडे आईम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जस्ट स्टिल्ड ऑलरेडी तो सबसे पहले हम देखेंगे जस्ट जस्ट का हिंदी में मतलब होता है अभी अभी और इसका यूसेज है फॉर रिसेंटली फिनिस्ड एक्शंस ऐसे एक्शंस ऐसे कार्य जो हमने अभी अभी खत्म किए हों इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम कैसे सिंपल पास टेंस में चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आई जस्ट फिनिश्ड माई डिनर मैंने अभी अभी अपना डिनर खत्म किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही जस्ट लेफ्ट ऑफिस वह अभी अभी ऑफिस से निकला वी जस्ट कंप्लीटेड आर प्रोजेक्ट हमने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट खत्म किया नेक्स्ट वर्ड है स्टिल स्टिल को हम हिंदी में कहते हैं अभी भी इसका यूसेज है टू एम्फोसाइज द समथिंग इज कंटिन्यू हम इसमें इस, इस चीज पर जोर देते हैं जो कार्य जारी है किसी चीज को जारी रहते हुए दिखाने के लिए तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू मैं अभी भी आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं शी अराइव्ड वह अभी भी नहीं आई दे स्टिल डिट गेट मूवी टिकट्स उन्हें अभी भी मूवी की टिकटें नहीं मिली नेक्स्ट वर्ड Yet. Yet का यूसेज है इट रेफर्स टू अ टाइम विच स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक चलता आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं येट का और येट का हिंदी में मतलब होता है अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन हम देखें तो वी यूज इट कॉमनली और मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसे किस में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल है आई हैवेंट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट येट मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया हैज ही कॉल्ड यू येट क्या उसने अभी तक तुम्हें बुलाया दे हैवंट कम येट वे अभी तक नहीं आए चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है ऑलरेडी ऑलरेडी का हिंदी मतलब होता है पहले ही और इसका यूसेज है टू दैट समथिंग कंप्लीटेड बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड इसका मतलब है किसी ऐसी चीज पर जोर देना जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी हो किसी दूसरी चीज के शुरू होने से पहले और इसका इंप्लीमेंटेशन अगर देखते हैं तो इसको कॉमनली हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क मैंने पहले ही अपना होमवर्क खत्म कर लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्म क्या उन्होंने पहले ही फॉर्म फिल कर लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज ऑलरेडी इटर्न लंच वह अपना लंच पहले ही खत्म कर चुकी है तो फ्रेंड्स ये थे चार ऐसे वर्ड जिस, जिसमें कुछ लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू